भाई कभी कभार इमरजेंसी में हमें काफी ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो इन पैसों की नीड को कंप्लीट करने के लिए अगर आप प्ले स्टोर पर चेक करेंगे तो आपको काफी सारी पर्सनल लोन एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएगी। इन पर्सनल एप्लीकेशंस के अंदर आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से भी ज्यादातर जो लोन एप्लीकेशन है, अगर आपका सिविल स्कोर ब्रिलियंट है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है या फिर आपके पास में इनकम प्रूफ है, बैंक स्टेटमेंट है, तब जाकर आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ में आपको कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी देखने को मिल जाती है, आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत होती है, तो कुछ एप्लीकेशन आपको ऐसे भी मिल जाती है जो कि आपको कम सिविल स्कोर के साथ में, बिना इनकम प्रूफ के साथ में, बिना बैंक स्टेटमेंट के साथ में, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिहाव पर ही आपको लोन निकाल कर दे देती है, लोन ऑफर आपके लिए निकाल कर दे देती है। तो भाई आज की इस वीडियो में कुछ इसी प्रकार की एक लोन एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आया हूं जो कि काफी जबरदस्त लोन एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम मैं वीडियो में आपको आगे बता दूंगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये एप्लीकेशन जेन्युइन और ट्रस्टेड एनबीएसपी आरबीआई से रजिस्टर्ड है। प्ले स्टोर पर आपको काफी अच्छी रेटिंग, रिव्यूज एंड डाउनलोडिंग देखने को मिल जाएंगे। अगर यहां पर मैं लोन की बात करूं तो ये एप्लीकेशन आपको पूरे 1,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करवा देती है। जैसा कि मैंने यहां पर बताया, आपका सिविल स्कोर में दम है, आपके क्रेडिट हिस्ट्री में दम है, तो यहां पर आपको ज्यादा लोन मिल जाएगा, या फिर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो लगभग 1,000, 2,000, 5,000 रुपए तक का लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर भाई यहां पर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो ये एप्लीकेशन आपसे पूरे 18% से लेकर 40-42% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेती है। दोस्तों अगर आपको काफी ज्यादा नीड है तभी इन लोन एप्लीकेशन से आपको लोन लेना है, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा होता है। अदरवाइज मौज मस्ती के लिए इन एप्लीकेशन से आपको बिल्कुल भी लोन नहीं लेना है। भाई अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो एप्लीकेशन आपको 3 महीने से लेकर पूरे 15 महीने तक का टाइम दे देती है। इस टाइम के दौरान आप आसानी से इस लोन को वापस रिफंड कर सकते हैं। तो भाई बने रहे इस वीडियो में, इस एप्लीकेशन से लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। अपने मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ओटीपी से मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद में आपके जो भी पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आपसे यहां पर मांगे जाएंगे। तो भाई इन पैन कार्ड के नंबर को आपको यहां पर फिल करना है एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे यहां पर पैन कार्ड नंबर फिल करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आपसे यहां पर आपका जो बैंक है वो सिलेक्ट करने के लिए यहां पर बोला जा रहा है। तो जिस बैंक में भी आपका खाता है उस बैंक का चुनाव आप यहां पर कर लेंगे। तो हमारा SBI में अकाउंट है तो हम यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। भाई आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक कंडीशन रखी गई है कि आपका जिस बैंक में भी अकाउंट है और जिस मोबाइल नंबर से इस एप्लीकेशन में आपने रजिस्टर किया है वो मोबाइल नंबर आपकी इस बैंक के अंदर लिंक होने चाहिए। तो भाई आप यहां पर देखेंगे जैसे आप अपने अकाउंट को, आप अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे अपने मोबाइल नंबर से। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे अब आपने आधार कार्ड को यहां पर वेरीफाई करना होगा। तो भाई आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए आप यहां पर नीचे देखेंगे इनेबल आधार नंबर, सिंपली आपको इनेबल आधार नंबर पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे आपके जो भी आधार कार्ड के नंबर है वो आधार कार्ड के नंबर आप यहां पर फिल करेंगे। आधार कार्ड के नंबर फिल करने के बाद में आपको यहां पर एक कैप्चर कोड दिखाई दे रहा होगा, इस कैप्चर कोड को आप यहां पर फिल करेंगे एंड यहां पर नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। भाई आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी को आप फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद में आपको यहां पर 6 डिजिट के सिक्योरिटी पिन यहां पर बनाने होंगे जो कि आपके डिजी लॉकर के हैं। अगर आपको 6 डिजिट के सिक्योरिटी पिन नहीं पता है तो नीचे आप यहां पर देखेंगे सिक्योरिटी पिन फॉरगेट का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है तो आपकी जो सिक्योरिटी पिन है यहां पर सक्सेसफुली बन जाएंगे। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे आपके आधार कार्ड के थ्रू आपकी जो KYC यहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों यहां पर आगे आपको अपनी एक सेल्फी यहां पर अपलोड करनी होगी। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं अपलोड सेल्फी के बटन पर नीचे आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा यहां पर चालू हो जाता है और मोबाइल का कैमरा चालू होने के बाद में आपको अपनी सेल्फी यहां पर अपलोड कर देनी है। आपको अपने मोबाइल की सभी चीजों को यहां पर अलाउ परमिशन दे देना है और फाइनली आपका जो मोबाइल का कैमरा है यहां पर चालू हो जाता है। मोबाइल का कैमरा चालू होने के बाद में आपको अपनी एक सेल्फी यहां पर अपलोड कर देनी है। तो भाई जैसे आप सेल्फी को अपलोड करके आगे बढ़ते हैं तो आपकी पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जाएगी, जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप हो गया, आप क्या काम करते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी पर्सनल डिटेल आपसे पूछी जाएगी। आप जैसे पर्सनल डिटेल फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपकी जो भी लिमिट है वो लिमिट निकलकर यहां पर आ जाएगी, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। मैं यहां पर बता दूं दोस्तों ये एप्लीकेशन एक पे लेटर एप्लीकेशन है, यहां पर आपको लिमिट प्रोवाइड करवाई जाती है। इस लिमिट को दोस्तों आप किसी भी मर्चेंट QR कोड पर स्कैन करके खर्च कर सकते हैं या फिर इस लिमिट को आप बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
हैं। तो भाई हमारे डिटेल्स के आधार पर मात्र हमें ये 1000 रुपये की लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। क्रेडिट हिस्ट्री में थोड़ा भी दम है, आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है, तो यहाँ पर जो लिमिट है आपकी इंक्रीज यहाँ पर की जाएगी, आपको ज़्यादा लिमिट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जो यहाँ पर टाइम मिला है, यह हमें 1 महीने का यहाँ पर टाइम मिला है। इस लिमिट को अगर हम खर्च कर देते हैं तो इसका जो बिल बनेगा वो 1 महीने के बाद में मिलेगा, यानी कि 1 महीने तक इस लिमिट को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो महीने की पहली तारीख आएगी उसको यहाँ पर बिल बनता ही से एप्लीकेशन में उस 1 तारीख को आपको इस बिल को वापस पे करना होगा। तो भाई यहाँ पर आपको अपनी लिमिट देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का एक बटन शो हो रहा होगा, कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको लिमिट यहाँ पर शो हो जाती है, कितनी आपने खर्च कर दी अपनी लिमिट में से। और इसी एप्लीकेशन से दोस्तों आप बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज वगैरह करने का काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको एक स्कैन करने का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप किसी भी मर्चेंट QR कोड को स्कैन करके इस लिमिट से आप सामान वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। या फिर आप इधर साइड में देखेंगे सेंड मनी का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, सेंड मनी पर क्लिक करके आप किसी भी बैंक में इस मनी को सेंड भी कर सकते हैं। जो कि अभी आपने शुरुआत में बैंक को वेरीफाई किया था उस बैंक में इस मनी को आप सेंड भी कर सकते हैं। इस लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको सेंड मनी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको 1000 रुपये की लिमिट मिली हुई है, इसमें से आप कितने रुपए यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर फिल करेंगे, नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे एंड नीचे आपका जो भी बैंक आपने वेरीफाई किया है वो बैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस बैंक को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, आप इसी बैंक में अब इस क्रेडिट लिमिट को ट्रांसफर कर सकते हैं। फाइनल में दोस्तों आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपने जो बैंक सेलेक्ट किया है उस बैंक में आपकी जो क्रेडिट लिमिट है यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दी जाएगी, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हर महीने की 1 तारीख को इसका बिल बन जाएगा, 1 तारीख को इस बिल को वापस आपको पे कर देना है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे बढ़ाकर लिए जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह, वो यहाँ पर आकर आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके इस एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनल में दोस्तों आपको मैं एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर बता देता हूँ, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो एप्लीकेशन का नाम है पोस्ट पे एप्लीकेशन। दोस्तों प्ले स्टोर पर आप टाइप करेंगे पोस्ट पे एप्लीकेशन तो आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, आपको यहाँ पर साइड में एप्लीकेशन का लोगो देखने को मिल रहा होगा। इसी एप्लीकेशन से कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को आप फॉलो करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर वीडियो के अलावा आप और भी कोई कन्फ्यूजन फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।